एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान? हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में? नहीं। गिर गर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, हाँ। उसमें बड़ा बड़ा मतलब, हाँ। तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था, हाँ। और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मानिए क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं। क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो तीन दिन बाद पहुंचता है। अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे था गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के मापी दौड़ रहा था, धक 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 धक, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टेयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, अन रोड रोलर जाके पेड़ को लगा घटकन, पेड़ खाई में गिरा भटकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका, ये किनारे पे ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस, सब पब्लिक देख रही थी, मैं ऐसा निकल के, ये निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उदरिच? उधर ने तीन चार दिन बाद में आके दिया। अच्छा। आके घर पे दिया, हाँ। पीठ पे थपथपाया, हाँ। बोला तू अंशु, हाँ। तू अंशुमान नहीं, हाँ। तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं फेंक रहा, फेंक रहा। नहीं नहीं नहीं, चल यकीन नहीं है ना, चल साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट एक मिनट, अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, ए गाड़ी घुमा। आ गया बूढ़ा, आ गया, अब मैं जाता हूँ और झंडे गाड़ के आता हूँ। एक मिनट, ब्रेक मार, ब्रेक मार, तू क्या गुल खिलाने वाला है हमें पहले ही बता दे। हाँ, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, फिर और फिर जानबूझकर हल्के से बूढ़े से टकराऊंगा और फिर मैं पलट के देखूंगा। अरे आप राहुल के दादाजी तो नहीं है? इस पैतरे से अगर बूढ़ा नहीं गिरा तो मेरी कदकाठी और कम कर देना। अब इससे ज्यादा क्या कम होगा? और तू संभाला, रितु के मामले में अपनी बड़ी पनवती लगी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा, देखते जाओ कैसे विकेट गिरा कर आता हूँ मैं। अरे देख देख, आ गए आ गए, जल्दी जा। हां, कहां से जाएगा? अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? जी मैं अभी उठा देता हूँ, अभी उठा देता हूँ। आंखें फूटी है क्या? ये सब मेरी बात सुनो, देखो मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को छोड़ने की। अबे भागो, भालू को निकालो जल्दी। मजा आ रहा है ना पीट? अपने ढोल और पीट फट गया ना? हाँ, क्यों न चढ़े, उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे छोड़ दो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। अरे बूढ़े के साथ दोस्ती करना बच्चों का खेल है क्या? अरे क्या तुम लोग, उससे अपना जो खून बहाया उसमें तुम लोग पानी दे रहे, तू फिक्र मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा, खून भरी मांग, ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो दो चार टुकड़ा और घुसेड़ दो पेट में, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। हाय रे, देख तुझे मिर्ची ने अंधा किया, तुझे आग ने जलाया और तुझे कांच ने फोड़ा। सही है भाई, मतलब तीन टपके। अब एक ही रास्ता है। क्या? क्या मुझे लगता है? क्या बता भाई बता, मुझे लगता है कि अबे क्या लगता है? तुम लोग उसे भूल जाओ। क्या? हाँ अच्छा,
भगवान, ये क्या हुआ? आप ठीक हैं दादाजी? ये कैसे हुआ? अरे एक लड़के ने जानबूझकर मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं सड़क पर केले के छिलके की तरह लेट गया। पूरी टोली थी रामी के साथ, मुझे अंडा समझकर फेंट रहे थे। कौन थे वो लोग? और कौन होंगे, उन्हीं चंडालों में से होंगे। जब मैं कह रही थी तो सपना कह के चिढ़ा रहे थे, अब खुद की नाक जली तो यकीन हुआ ना? मैं कहती हूँ अभी के अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। चायला एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए, जरा आराम से बैठिए और मेरे को उस लड़के का हुलिया बताइए। लड़के का हुलिया? लड़का नहीं, खच्चर था, खच्चर। एक गिलास पानी लाओ। अभी लाइए। चेहरा ऐसा भीषण कि जिंदगी तो क्या नींद में भी कभी नहीं देखा। और कद उसका चेहरा देखना हो तो नाटे को भी नीचे झुकना पड़े। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, नाक था के पिचका हुआ टमाटर याद नहीं, लेकिन होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ताजुब की बात है चायला, मुझे भी कब से ऐसे ही एक आदमी की तलाश है। मैं चारों तरफ उसकी खोज शुरू कर देता हूँ, पकड़ में आया ना तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप जरा चौकन्ने रहिए। आ जाइए, आराम से आ जाइए। ए, इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, आइए, आइए। ये घर है कि बंदूक का कारखाना? नमस्ते भाभी जी। भाई क्या कर रहे हैं? बंदूक हटा। आप लोगों को अंदर बुलाया है, ऑफिस में बुलाया है। आइए आइए, सेठ जी बड़े दयालु हैं। आइए आइए, तीनों आइए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया। इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो सेठ जी। अरे ये झूठ बोलते हैं। इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सेठ जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। स्टॉप, ए स्टॉप, तूप ताप लेने ता तिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने, दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल नहीं, 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 वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? ए तुम दानपति ले ले, सामने से जवाब, सामने से जवाब देता है तू। फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लात किसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, अच्छा नहीं रे, लात कैसे मारेगा? बहुत मारेंगे, लो चुप हो जाओ। अरे 20 लाख नहीं दे, 20 लाख दे। अरे मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख दे। ताले ताले, तेरे को समझ में नहीं आता? 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चलता है? तेरी धोती पे डाल दूंगा मैं ताले, दिवाली का पैसा तू ताले। तप 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 बीच तोल तप तप ते तप तप तला तप तप तला। अबे मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तोते उड़ा दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, पिदल है मेरा 20 लाख रुपया। अता ता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं 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 नहीं, उड़ा दूंगा। मैं तो पैदा होने के धाते तोतला हूँ, मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो अलकतरा में तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल तोल रहा है, तोते ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था, गाता था। माँ कसम मैंने देखा है, इनका बाप ना, इनका दादा, वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में।
मैंने देखा कसम से। मैं तो अतलाया, मेरा काम वाला ले बाबा, काम वाला। मेरा तगा वाला ले तू। ए राजू, ए थाम, टांग तोल के तुल लो। मेरा तोतला तगे वाले का पैसा खाया तूने? थला लौटा देना, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। बोल दिया, दे देगा रे, मैं चलता हूँ। अबे दाता कहाँ है ताले? डला पीछे मुझे देख। आइला इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। सुनो मेरे कुत्तो, इन लोगों पे धर जाओ और जब मैं दो सारा सामान मिले उसे लेते आओ। टी बनियान सब लेते आओ। ए साइड में रोक, साइड में रोक, साइड में रोक मेरे भाई। क्या हुआ, गाड़ी काय को रुका रहे? ये बिल्डिंग में रहता क्या तू? नहीं नहीं, ये बिल्डिंग में नहीं, वो गटर में। गटर में? मेरे को बहुत जोर से बाथरूम आया यार, मेरे को प्लीज। चल घर जाके करना। नहीं, घर तक नहीं जाऊंगा, मेरा निकल जाएगा, प्लीज मैं यहाँ कर लेता हूँ गटर में, समझ जा कर। मेरा किडनी खराब है। राजू तेरा क्यों किडनी का बीमारी है? तू अभी तक बोला नहीं रे बाबा मेरे को। बाबू भैया मालूम है ना आपको, भाई साहब इनको जाने तो वरना इधर ही कर देगा वो, किडनी खराब है उसका। तू भागया तो? भागेगा क्यों मैं? अरे मेरा दिमाग खराब है, ये दोनों है ना तुम्हारे साथ, मैं भागेगा नहीं। ये क्या हमको गिरवी रखेगा रे तू? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जा 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 जल्दी जा राजू, जा 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 जा। बहुत भले आदमी हो तुम लोग। राजू जल्दी आ, साला पेशाब के लिए गिरवी रखता है हमको। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे, दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है रे। ए वो वापस क्यों नहीं आ रहे, कहीं भाग तो नहीं गया वो? मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा, गिर गया होगा कहीं, मैं उसको उठा के लेके आता हूँ। तू वापस नहीं आया तो? अरे मैं कैसे भागेगा, काय को भागेगा, बाबू भैया है ना आपके पास गिरवी। या क्या मेरे को क्या गले का मंगलसूत्र समझा गिरवी रख के जाता? वो पेशाब के लिए गिरवी रखेगा, तू हार्ट अटैक के लिए गिरवी क्या समझा? ए बाबा ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। ए तुम दोनों भी जाओ रहे इसके साथ में? मैं लेके आता हूँ उसको। राजू राजू, अरे चल ना। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया, पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। ए चुप चुप, हार्ट अटैक है। ए ये लोग आए क्यों नहीं यार अभी तक? ओ अभी मेरी बारी है, मैं जाके देख। ए चुप, एड़ा समझा क्या? तू इधर ही बैठ, हम दोनों देख के आते हैं। ए गुंडा भाई, ए गुंडा इधर आ, ये गाड़ी लॉक कौन करेगा बाबा? ऐसा खुला नहीं छोड़ने का, मैं भाग गया तो मत। हाँ ठीक है ठीक है। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या माइला पॉकेट मार रहे? इतना चिल्लाते क्यों आप? अरे नहीं बाबा मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे कर नहीं आ सकता। अरे यार इनको समझाओ ना यार। अरे लॉक कैसा आएगा? अरे लॉक ऐसा खुलता, चलो चलिए आप चलो अभी चलिए ना, चलिए जल्दी चलिए। अरे कभी तो भागिए। अरे उधर जाके देखो देखो, लड़के वाले किसी वक्त भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ सब तैयार है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं के जी, लगता है वो लोग आ गए। हाँ हाँ चलाने को क्या होता है तेरे को? सेठ जी किधर है लड़का? अबे वापस ले जा, हार दिखता नहीं अंधा है क्या? ये हराम को किसको लेके सड़क साफ मजदूर है, चल अंदर। एक काम करो तुम लोग सामान उतारो और अंदर लेके आओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में लेना, चल बाद में दूंगा, चल आराम से आराम से। आज घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश कम ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन तू काम कर, चल चल। देखो भाई जी सर जी, घर में दुनिया भर के कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सर जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते। ए चुप रे चुप। सर जी सॉरी, सर जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा बोतल, तेरा सत्यानाश हो।
क्या करूँ, कोकिया का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। अब क्या करेंगे? आ गए। कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर, एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रही क्या बोला तू? 5 दिन, 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा, 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है, मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी, उस जमाने में 1,00,000 रुपया दिया था इस तस्वीर का हमने, आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा, मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, हराम खोर तोड़ दी, मेरी घड़ी तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन, आ रहा हूँ उसे। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। घड़ी? ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी, घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। आ, 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 भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा, वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया आया। ए चिंतन, इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाव, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया? जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है, करता हूँ भाऊ, देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से किया, उससे साफ करो। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाए। जल्दी कर, जल्दी कर। सारी मिठाइयाँ खराब कर दी, और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो। होली खोरो, हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे, हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे, इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कराओ, यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी, मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी, रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो रस्म के लिए। चलो ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए, उल्लू का चरखे। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ जेब में दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? म्युनिसिपैलिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। चल। देखा यार, उसने मुझे देखा। ए, नहीं नहीं नहीं, अरे उसने तुझे नहीं, मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन रखे थे। हाँ, तो क्या तुझे देखा, क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा, मुझे देखा, मुझे देखा। ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी यार। एक बार देख तो लेती, 4 खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए, 4 नहीं 3। चलो 3 नहीं 2 नहीं, एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं, लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ मुझे दिखाई दे रही। क्या? का, 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 का। अबे मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल, बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपरहिट फॉर्मूला है मेरे पास।
अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस पैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था, इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ हाँ, तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुनसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते हैं। ओ बच्चू, क्यों आज नहीं फिर कभी? क्यों क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया गठरी मार के आ। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। नहीं नहीं, अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मर जाऊंगा। चिल्ला मत गोटी, लोचे हो जाएंगे। अबे मुंह पहले पानी तो डाल, आंखें जल रही है मेरी। ला 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 ला, पानी ला, पानी डाल, पानी डाल, डाल 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 डाल। अबे छाती नहीं, आंखें जल रही है कुत्ते। चुकना चुकना, तू इतना ऊंचा है तू। पानी डाल। साले दगाबाजो, कैसे दोस्तों मुसीबत आते ही पेंधे को पैर लाके भाग गए। सबक सीख लिया सालो, अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूंक फूंक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो? ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था? ये नहीं बोलना चाह रहा है? हाँ बोल रहा है, ऐसे करिए। तो मेरी गला फट चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे, हमें लगा तुम और दादी मिलके जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी, जो कंधों पे अब तक सर बाकी है, नहीं तो 3 बार चूरा घुमाया था उसने यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप कर, सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू बुड्ढी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तरफ का, अब सिर्फ हम 3 उससे शादी करेंगे। हम 3 इकट्ठा उससे शादी करेंगे। क्यों? तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही, द्रोही। अबे द्रौपदी, हाँ। द्रोही। वो जो भी हो हमें क्या, वो माँ भारत है, आज का भारत है। हाँ। हम 3 का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कर लूंगा शादी उससे। ये शिंदे, ये मात्रे, ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। भाई ये धोती वाली आइटम तो बहुत नाच रही है। मैं बनाएगा ना पूरा एसी, वो एसी संडा, वो और लोटा भी पूरा चांदी का, पूरा चाल में एसी कर डालेगा। किधर अपना माल इसने चोरी तो नहीं किया ना भाई? अबे ये काले चश्मे वाला सफेद कबूतर, ये क्या चोरी करेगा रे? साला बाजू वाले के कुकर की सीटी बजती है तो इसकी सीटी बजने लगती है। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आओ, आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3-3 नल लगा देने वाला हूँ। 3-3 नल? जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल, और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। ये एडेट, तेरे बाप की शादी है क्या रे? ओ, बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ, तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। शाम तक तोतले को पैसा देने और ये बाबू भैया बाहर उछल रहे। राजू यार, बहुत बुरा सपना है ये बाबू भैया, सारे चौल के सामने पैसा आने से पहले ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे वो सचमुच ढिंडोरा पीट रहे सारे चौल के सामने चिल्ला चिल्ला कर।
क्या बात कर रहा है? हाँ, मैं तो बोलता हूँ यार, बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग यहाँ से निकल चलते, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे अपने को। उसको रोक, मैं ये सब कुछ संभालता, तू जा। इधर पब्लिक में शोर नहीं करने का रहा। अबे मंदिर से चिल्लर चोरी कर कैसा ले चिल्लर चोर? ये चोरी मंदिर से नहीं किया रे, चोर के घर से किया। बताऊ कल क्या किया मैंने तेरे को? बताऊ क्या बोलो बाबू भैया? 5,000 का लॉटरी लगा तो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है? आप भी 5,000? 5,000 लगा तो सटिया गया। लो सुन लो, 5,000 की लॉटरी में 3-3 नल, मेवड़ा कहीं का। चलो चलो रे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। दोस्तार चोर भैया। चुप यार, चुप। बाबू भैया ये क्या कर रहे हैं? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप सारे मोहल्ले में बर्थडे पार्टी मना रहे। बच्चा तो तेरे को बच्चा होने वाला है? ये राजू, इसका शादी कब हो रही है बोल? अरे इसका शादी नहीं हुआ, शेख चिल्ली की फोटोकॉपी। रोकड़ा रोकड़ा आया नहीं कि अय्याशी शुरू? ये पिज़्ज़ा कैसे लाया आप? वो डोमिनो वाले का स्कीम है ना कि 30 मिनट में नहीं आया तो फ्री देता है, मैंने उसका कर डाला। माने 30 मिनट के बाद आया पिज़्ज़ा? नहीं रे बाबा, वो तो बेचारा 20 मिनट में ही आ गया, लेकिन मैं उसके सामने गया ही नहीं। वो मेरे को इधर उधर ढूंढता रहा और मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। जैसे 30 मिनट हो गया कि मैं कूदा, ला रे बाबा फ्री ला ला। तो मैं भी फ्री खाता हूँ, चलिए लाइए। हाँ तुम लोग दोनों बैठ के अय्याशी करो, मैं जाके काम करता हूँ, भंगार वाले को माल बेच के आता हूँ, ठीक है? हाँ यार जल्दी सौदा करके आ, आज टोटले को चुकाने का आखिरी दिन है यार। अरे सैंपल लेके जा रहा हूँ, देख सैंपल, तू ये सैंपल के मुंह पे स्टेपलर लगा बस। ये धोतर चोर, धोतर। चलिए आप धोतर चोर।